बिल्डर ने खेला है वनराज शाह के साथ बहुत बड़ा खेल, भागा नहीं है वनराज शाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं पहले भी इस बात को कह चुकी हूँ, अभी भी कहती हूँ, आज के प्रीकैप के बाद और भी कहना जरूरी है कि वनराज शाह भागा नहीं है। ये चोरों को मोर पड़ने वाली बात हो गई है, क्योंकि वनराज शाह तो जो कर रहा था वो गलत था, मगर वनराज शाह से भी बड़े बड़े स्कीमी इस बिल्डर जैसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। तो जहां तक मेरा अंदाजा है उसी पे मैं बात करूंगी। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वनराज शाह को जब से हमने इस धारावाहिक में देखा है, मैंने खास करके अपनी बात करूंगी, मैंने इसको परिवार के प्रति समर्पित देखा है। मेरे बाप, मेरे बापूजी, मेरा परिवार, मैं अपने परिवार के लिए सब कर सकता हूँ, मेरा परिवार यूनाइटेड रही, यही उसको अपने आप पे मान था कि मैंने अपने परिवार को जोड़ के रखा हुआ है। और यही मान अनुपमा के लिए ताना था कि तुम देखो तुमने क्या किया, मैं तो मेरे परिवार के साथ हूं, तुम अकेली हो। तो ये चलता चलता आया, यहां तक पहुंच गया। अब यहां से एकदम से कैसे माना जाए कि अपने परिवार को इस भंवर में छोड़ के वनराज शाह भाग गया। जहां तक आज ये बिल्डर की एंट्री हुई है कि एक घंटे में घर खाली कर दो, वहीं से ये शक की सुई बिल्डर की तरफ जाती है कि बिल्डर ने कहा एक घंटे में घर खाली कर दो क्योंकि ये घर भी मेरा है और वो घर भी मेरा है जो आप छोड़ चुके हो। भाई ये कैसे हो गया कि वो घर भी तुम्हारा है, उस घर के बदले में तो तुमने इनको पेंट हाउस में पेंट हाउस दिए थे, इसको भी पेंट हाउस, उसको भी पेंट हाउस, ये भी ले लो, वो भी ले लो, एडवांस भी ले लो, सब ले लो, मगर मुझे वो शाह हाउस चाहिए। तो इसका साफ मतलब है कि बिल्डर ने ये कुछ बड़ा घपला किया है वनराज शाह के साथ, और वनराज शाह को गायब करने में भी बिल्डर का ही हाथ है। बिल्डर ने वनराज शाह को गायब किया और फिर जितने भी लोगों से वनराज शाह ने पैसा लिया था वो सबके सब वनराज शाह के पीछे पड़े और उसके घर पे पहुंच गए कि हमारे पैसे दे, हमारे पैसे लेके भागा है। मार्केट में ये बात फैला दी कि वनराज शाह फ्रॉड है, और इधर वनराज शाह को कहीं पे तो उसने तोड़ फोड़ के फेंका होगा, जो शायद आने वाले भविष्य में वनराज शाह दिखाई दे एक टूटा फूटा हॉस्पिटल में कहीं पड़ा हुआ वनराज शाह, जिसको खबर ही नहीं है दीन दुनिया की कि क्या हुआ है। क्योंकि ये बिल्डर लाइन में तो ये चीजें कॉमन है, बड़ी फिल्मों में भी देखा है, रियलिटी में भी हमने खबरें सुनी है। तो बिल्डर ने जो आज स्टेटमेंट दी है कि ये भी मेरा वो भी मेरा, इसका मतलब साफ है कि इसने वनराज शाह के साथ कोई बड़ी गेम खेली है। नहीं तो कोई भी इतनी बड़ी डील इतने एक घर के पीछे इतने सारे घर कैसे दे सकता है, सोचने वाली बात है ना कि कैसे कर सकता है वो। और जो इतने घर देने का लालच दे रहा है, सब कुछ देने का लालच दे रहा है, आज वो आके कैसे कह सकता है कि ये भी मेरा वो भी मेरा, जबकि डील तो ये हुई थी कि जब तक ये टावर खड़ा नहीं होता, इनके पेंट हाउस तैयार नहीं होते, तब तक ये लोग इसी घर में रहेंगे, इसी महल में रहेंगे। तो वनराज शाह तो ये डील नहीं कर सकता कि अगर वो रेडी नहीं है तो हमारे हमको घर से निकाल देना, मेरे परिवार को बेसहारा कर देना। वनराज शाह कोई परिवार का दुश्मन तो नहीं। तो साफ साफ सुई घूमती है बिल्डर के इस षड्यंत्र की तरफ, जो बाद में सामने आएगा और फिर से वनराज शाह इस परिवार का हिस्सा बन के मुखिया बन के सामने आएगा और फिर से वो कहानी शुरू होगी, शाह परिवार वर्सेस अनुपमा। तो मुझे ये लगता है, बाकी देखते हैं, क्योंकि वनराज शाह पे मैं इतना भी शक नहीं कर सकती कि वनराज शाह अपने परिवार को मुसीबत में डाल के भागे, क्योंकि वनराज शाह तोशु तो डेफिनेटली नहीं है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.